कभी कभी हमारे आँखों के सामने सब कुछ ख़त्म हो जाता है और हमें भनक तक नहीं लगती, बस हम एक जिंदा लाश की तरह देखते रह जाते हैं। रिश्ता एक कच्चे धागों की तरह होती है, जब तक एक सिरा दूसरे सिरा से दूर है तब तक वो एक दूसरे से जुड़े हैं, और जैसे ही वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ जाता है, वो आपस में उलझकर टूट जाते हैं। ऐसा मीना के साथ भी हुआ। मीना की शादी हुए बरसों हो गए थे। मीना ने कुछ अपने पति से कुछ गहनों की मांग की थी जो उसे नहीं मिला था, और नोक झोंक में अनबन हो गई। अनबन इतनी बड़ी हो गई कि मीना और उसका शौहर एक दूसरे से अलग हो गए। एक दिन मीना अपने साथ अपने बहन के साथ मायके में थी। उसके मायके में उसके घर के सामने शमशान था जहाँ पे लाशें दिन रात जलती थी, और उसकी छोटी बहन छत पर खड़ी होकर वो उन्हीं लाशों का क्रियाकलाप देख रही थी। एक लाश आई और उसकी बहन बोली, वो चिता पर बेखबर कौन लेटा है, इतना नौजवान हाय किसका बेटा है, वो कौन रो रहे हैं, कहाँ आग लगी है, दीदी आज तेरे माथे पे बिंदु सिंदूर नहीं लगी है। सिंदूर शब्द ने मीना का मन गनगना दिया और उसे अपने पिया की याद आने लगी। उन्हीं लाश को देखकर मीना ने कहा कि मन उचक रहा है बेजोर दिल धधक रहा है, मन उचक रहा है बेजोर दिल धधक रहा है, मैं छटपटा रही हूं जैसे मेरा गहना जल रहा है। हाय मैं कितनी झूठी हूं, कलेजा फटा जा रहा है, हाय मैं कितनी झूठी हूं, एक गहना के लिए पिया से बरसों से रूठी हूं। और लाश देखकर उसने खुदा से कहा कि मुर्शीद मालिक तूने किसकी कोख सोने की है, कहीं किसी प्रीवर की सिंदूर ली है, और इतने तेज के साथ मूरत कैसे बनाता है, मुर्शीद ये मुल्तानी मिट्टी कहाँ से लाता है। जैसे उधर किसी की लाश जल रही है लोग सल्तन से बैठे हैं, क्रियाकर्म चल रही है, कुछ सफ़ेद धोती में हैं, कुछ मुंडन हो रहे हैं, सफ़ेद धोती वाला शायद बाप है और बाजू में भाई रो रहे हैं, और इसी तरह देखते देखते स्वर्णदेह खत्म हो गया, जैसे किसी का हंसता सूरज डूब गया, और सहकुटुंब लाश समीप बैठा रहा, रिश्तेदारों में हर कोई अपने घर गया। मीना और मीना की छोटी बहन दोनों एक वृत्त के समान छत पर खड़े होकर चांद और लाश को देखते रहे। अचानक उसका छोटा भाई दौड़ते हुए छत पर आया और कहा, दीदी तेरे ससुराल से कुछ लोग आए हैं, शायद रूठे पिया का सुख संदेशा लाए हैं, कुछ टकले हैं पर उनका मुख मुरझाया है, साथ में तेरे बाबूजी और ननखा भी आया है। अभी आंखों में जलती हुई आग बुझी नहीं थी कि भाई का संदेशा सुनकर मन सन्न कर गया, मन कचोट गया, जैसे किसी ने जलते आग में पानी डाल दी हो, पर जिससे ना तो मन ठंडा हुआ और ना ही आग ठंडी हुई। इतना सुनते ही मीना दौड़कर नीचे गई। बाबूजी का चेहरा देखा तो उसे याद आया जो वो वही आदमी था जो उसके छत से उसके घर के पीछे दिख रहा था, वो उसके बाबूजी थे। उसकी दशा ने बाबूजी को मूर्छित कर दिया वो रोएगी तड़प कर छाती पीटेगी, यही सोचकर कुछ मूर्खों ने उसे कमरे में कैद कर दिया। कमरे में कैद होने के बाद मीना दरवाज़ा खटखटाती रही, चिल्लाती रही, लोगों को जगाती रही, भाई को चिल्लाती रही कि दरवाज़ा खोलो, मुझे आने दो, एक बार मिलने दो बाबूजी से, पर किसी ने नहीं मिलने दिया। सोए लोगों को जगाती रही और अंत में वह खुद सो गई।